अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान किचन। आज चिकन कोरमा बनाने जा रही हूँ। बहुत टेस्टी और बहुत आसान तरीके से आज हम बनाएंगे। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देखते हैं। तकरीबन 600 ग्राम चिकन, एक कढ़ाई लें, और हाँ, जिस कढ़ाई में चिकन बनाना है उसी में मेरीनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें चिकन डालें। मसालों में देखते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, एक बड़े चम्मच धनिया पाउडर, नमक 1.5 चम्मच, आप अपने हिसाब से नमक लें। इन सबको शामिल कर दें। एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 150 ग्राम दही। दही को हमने मिक्स नहीं किया है, ऐसे ही शामिल कर रही हूँ। 100 ग्राम वेजिटेबल तेल। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करें। फूड कलर हमने नहीं डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च से अच्छा कलर आ जाता है, इसलिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है। यह मिर्च तीखी नहीं होती है, कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। चिकन गोश्त वगैरह में डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। चिकन हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ढककर आधा घंटा के लिए रख देते हैं। आधा घंटा हो चुका है, चिकन मैरिनेट हो गया है। अब इसे पकने के लिए मीडियम आंच पर रख दें और इसे बीच बीच में चलाते रहें। 3 मीडियम साइज के प्याज हमने गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिए हैं। इस तरह हाथों से इसे मसल कर बारीक कर लें। गरम मसालों में क्या क्या चाहिए देखते हैं। 10 काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा जायफल, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 8 लौंग, 3 हरी इलायची, 1/2 फूल जावित्री का, 2 बड़ी इलायची जिसका सिर्फ बीज लेंगे, छिलका नहीं। छिलका पीसने से मसालों में धागे की तरह रेसे रेसे नज़र आता है। फ्राई पैन लें, मसालों को हल्का सा सेक लें। और इसे मिक्सर में दरदरा पीस लें। चिकन को चलाएं और ढक दें 5 मिनट के लिए। वापस चेक करें और इसमें मसला हुआ प्याज डालें, काजू का पेस्ट डालें, 15 काजू जो हमने भिगो कर पीस लिए थे। गरम मसालों को हमने दरदरा मिक्सर में पीस लिया था वो डालें और अच्छी तरह चलाकर ढककर पकने दें तकरीबन 5 मिनट। अब हमारा आसान कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए चिकन बिल्कुल गल चुका है। आप चाहें तो इसमें 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है, इसलिए हमने नहीं डाली। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना बहुत आसान है और टेस्टी भी है। रमज़ान आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। टेक केयर, दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।